Good evening, everyone. Good evening, ma'am. Good evening, good evening, ma'am. May it be bloom. Ma'am, karu read. Yes. नहीं ध्वनित के बाद मैं रीड करूंगी. The essays that made the trees bloom. In the good old days of the demons, there lived an old couple whose only pet was a little dog. Having no children. मतलब, yes, ma'am. पुराने दिनों की बात है जब वेल्दी लैंड ओनर्स हुआ करते थे तो एक कपल रहता था, ओल्ड कपल, जिनका एक पेट डॉग था. मैं एक्सप्लेन करूं? एक्सप्लेन हाँ करो. चल ओके मैम, ट्राई करूंगा. मैम मेरी मैम करते हैं, हम भी रीड करेंगे और हम भी एक्सप्लेन कर देंगे. नहीं रुको, yes, रुको, रुको, रुको मैम. आई हैव अ क्वेश्चन. अरे वेट वेट वेट, आज ये चैप्टर मत करो क्योंकि मेरे से बिल्कुल बोला ही नहीं जा रहा है. मैम आई हैव एन ऑप्शन, मैम मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ यूट्यूब पे से. मैम आप स्क्रीन शेयर कर दो, यूट्यूब में से हम सुन लेंगे. हाँ मैम, फिर मन करे तो हम लोग खुद ना खुद एक्सप्लेन कर देंगे. नहीं मैं कुछ और शेयर करती हूँ, कोई वर्कशीट शेयर करती हूँ आज ग्रामर की, और आप लोग वो करो. ओके मैम, फिर हम एंड में आंसर डिस्कस करेंगे. मनीष धारा, सब अपनी बुक खोल दो. कौन कौन? मेरे को एक डाउट था मैम. रुको पहले रुको. यस चलो दिया, क्या हुआ बोलो बेटा. मैम आपने बोला था कि शॉर्ट नोट लिखनी है एटमॉस्फेयर के लेयर्स के ऊपर, तो अब लिखनी है? अभी नहीं, एग्जाम के बाद. ओके मैम, पेज नंबर. मैम मैंने सोचा कि एटमॉस्फेयर के शॉर्ट नोट नहीं लिखनी थी. हाँ मैम. मैम मेरे को मैम पेज नंबर डबल टाइम नहीं लिखना था, वो भी डबल टाइम लिख दिया. किसने? तुमने मितवा? हाँ मैम. मैम मैंने वो लिख दिया. एक मिनट एक मिनट, ध्वनित क्या डाउट है? मैम वो जो इंस्ट्रूमेंट्स वाला आपने कुछ बोला था ना, वो कुछ कल के होमवर्क, वो परसों के होमवर्क में आपने कुछ बोला था ना इंस्ट्रूमेंट्स वाला, वो मुझे पता नहीं चला इसलिए मैम मैंने लिखा नहीं. और वो जो डायग्राम था वो भी तीन बार करना था, मैंने एक बार किया इसलिए. कोई बात नहीं मैम. मैम एक बार मैम मेरे को दूसरा डायग्राम पता नहीं था, वो इंस्ट्रूमेंट का अभी ध्वनि ने बोला. मैम पेज नंबर वो मैंने नहीं किया, पर मैंने वो जो सब स्पीयर है ना, एग्जॉस्ट स्पीयर, थर्मा स्पीयर, उसका कर दिया तीन बार. मैम मेरा होमवर्क की डेफिनेशन भी तीन बार. दो मिनट रुको. ठीक है
किड्स तुम बोलो। यस मैम, मेरा भी वो हो गया। ठीक है, अभी मैं लास्ट में होमवर्क चेक करवाऊंगी, अभी सब अपने पास। मैम पर मैं बाहर आया हूँ इसलिए मेरे पास नोटबुक और टेक्सटबुक दोनों नहीं है। ओके ठीक। देयर इज अ न्यू स्टूडेंट। यस मैम, आई एम न्यू स्टूडेंट। कोई नया नहीं है। जैनम मैम, जैनम तो मैं पिछले में था। मैम जैनम पिछले लेक्चर में भी था। नहीं मैं तो कल ही आया हूँ। जैनम यू हैव टू ऑन योर वीडियो बेटा। यस मैम। फ्रॉम व्हिच स्कूल यू आर? आई एम एशिया स्कूल, एशिया इंग्लिश स्कूल। मैम आई वाज थिंकिंग अबाउट हिम ओनली, आई नो हिम। मैम आई आल्सो, बस यू एंड दक्ष वुड बी नोइंग हिम। मैम आई आल्सो नो हिम। ओके चलो, मैं लास्ट 5-10 मिनट्स में आप लोग का होमवर्क चेक करवा दूंगी वेदांत से। अब हमने ज्योग्राफी खत्म कर दिया है, प्लस मैं अब मैंने ये बोला था टिक द करेक्ट आंसर मैथ द फॉलोइंग भी करके रखना है, हम डिस्कस करेंगे। मैम रिवीजन आपको बोला था। मैम आपने क्रॉसवर्ड भी बोला था। यस। नहीं मैम क्रॉसवर्ड नहीं बोला था। कोई बात नहीं, हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। मैथ द कॉलम है वेदांत। मैम जस्ट अ सेकंड, मोस्ट इम्पोर्टेंट लेयर ऑफ द एटमोस्फियर इज ट्रोपोस्फियर। यस। विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर्स ऑफ द एटमोस्फियर इज फ्री फ्रॉम क्लाउड्स? Stratosphere. Stratosphere, yes. As we go up the layers of the atmosphere, the pressure decreases. Yes. When precipitation comes down to the earth in the liquid form, it is called rain. Very good. Dia, give me the answers of the matter column. Trade winds, permanent wind, low, local wind, monsoon, seasonal wind, wind, horizontal movement of air. Very good. Come to the crossword. Now we will discuss this. Jia, kya doubt hai beta? Ma'am, apne jo bhi exam hai hamari kal. मैम उसका मटेरियल तो मैं लाई बट ये ट्यूशन में कोर्स जो है वो आगे चलता है और स्कूल में थोड़ा पीछे, तो स्कूल में से हमें क्वेश्चन आंसर्स नहीं देते। तो एक मिनट बेटा जिया, स्कूल तुम्हारी इतनी पीछे है कि हिस्ट्री टू, ज्योग्राफी टू और सिविक्स टू भी नहीं हुआ है। मैम सिविक्स टू का क्वेश्चन आंसर आज ही भेजा और ज्योग्राफी टू की तो वो भी कुछ भेजा नहीं है, हिस्ट्री में रीड कर दिया। अच्छा तो अभी तो मैंने नेट में से निकाला है, तो अब आगे के चैप्टर जो भी एग्जाम हो वो आप मुझे एक बार सेंड कर दोगे? क्या सेंड करूं बेटा मैं? मैम क्वेश्चन आंसर्स। बेटा आपके पास आप फुल मार्क्स लेकर आओ या उस वाला लेकर आओ। ओके मैम, बिकॉज आज हम देखने गए तो डाइजेस्ट उसकी नहीं थी, तो मैं कोई बात नहीं, नॉट एन इश्यू। और नेक्स्ट टाइम ना मैं ऐसा होगा तो एक बार टेक्सचुअल क्वेश्चंस डिस्कस कर लूंगी कि आपको टेक्सटबुक में से भी आंसर्स मिल जाएंगे। ओके मैम, चलो मैम। हाँ अब ये क्रॉसवर्ड पजल है। दक्ष? यस मैम। फर्स्ट का आंसर बताओ, अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन एयर। मैम मैंने नहीं किया है। हाँ तो अभी करो, किसी ने नहीं किया है, सबको अभी करना है। अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन एयर 0.3%, 0.1% सर। भाई वेदांत इसको पजल नहीं आता है,
ये ऊपर देखो दिख रहा है पजल, यस मैम दिख रहा है। निधन फर्स्ट का आंसर क्या है? मैम यस किसको आंसर पता है? मैम हम कहाँ पे? मैम आई नो मैम लैपटॉप शटडाउन हो गया था। बोलो दिया। ह्यूमिडिटी yes amount of water water vapor in air is known as humidity. Second is dekho bhi aapko down likhna hai down, first mein humidity, second answer is condensation of water vapor around dust particle in atmosphere is known as दिया को ही पता है क्योंकि दिया ने किया है, वेदांत ने आज नहीं किया है। मैम वो आपने शायद नहीं बोला था। मैम नहीं बोला था, मैंने बोला था हम डिस्कस करेंगे। मैम आप नंबर बोलो ना, मैं लैपटॉप शटडाउन हो गया। एक रंज क्या बोल रहे हो वापस बोलो। मैम आप क्वेश्चन नंबर बोलो ना, मैं लैपटॉप हो गया था। क्या बोलू? क्वेश्चन नंबर वो क्या बोल रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैम वो ऐसा बता रहा है कि आप क्वेश्चन नंबर बोलो ना जो हम कर रहे हैं। कम टू द पेज नंबर 28, कम टू द पेज नंबर 28। कैन यू सी द अबाउट डायग्राम ऑफ द क्रॉसवर्ड पजल एंड हेल्प द गिवन क्लूज अंश? यस। ओके ओवर देयर देयर आर टू कॉलम्स गिवन अक्रॉस एंड डाउन। राइट नाउ वी आर सॉल्विंग द डाउन पार्ट। We have completed two of them. First is amount of water vapor in air. The yes. answer is humidity. Ma'am. Wait, Jia, beta, wait. Ma'am, my second one can answer, bolu. Wait. Second is Ansh, condensation of water vapor around the dust particle in atmosphere. I want the answer of the second one. Yes. Daksh, you want to give the answer? Yes, ma'am. Cloud. Cloud, right. Jia, what is your doubt? No, ma'am. I was telling you that I will try it. Try it? Yes, you can do it. Yes, ma'am. Can I say it? Yes, ma'am. Now you come to the third one. Example of local wind blowing in summer in northern India. Yes, Vedant. Ma'am, low. राइट देखो ये डिस्कस इसलिए हम कर रहे हैं क्योंकि अभी आप इसको पजल में कर सकते हो, लिख लो। सेकेंडली ये सारी चीजें आपको ऑब्जेक्टिव में आती है। सारे जो फॉर फन है ना एशिया, आप लोग को स्कूल में आ सकता है। एमसीक्यू में आता है ये सब। यस मैम। Now you come to the fourth one. Short term changes in atmosphere. Ma'am, can I try? Rutva, yes, answer. Weather. Weather. Yes, right. Now come to the fifth one. Precipitation in liquid form. Ma'am, can I say? Answer. Brain. Very good. See, now we come to the across sixth one. We will go line wise. Okay. Come to the sixth one. Ma'am, can I say? Wait, wait. Why? Yes, you can say. Wait. Let me read the question first. An Indian tree having extraordinary quality of providing oxygen round the clock. Ma'am, can I eat? No way, people. People tree. Right. Oh, ma'am. Ma'am, और उसमें तो people ही आता है ना। और ma'am, people का spelling लंबा होता है, इसमें नहीं आएगा, नींद नहीं आएगा। PEEPAL P
पी डब्ल्यू पी एल उसमें आ जाएगा। तेरे डिक्शनरी में कौन सा स्पेलिंग है? मैम पी डब्ल्यू पी एल। अरे सॉरी मैम, मैंने 16th वन में लिख दिया था इसलिए। हाँ इसलिए। ओके डन। नाउ कम टू द 7th वन। मैम कैन आई से? मैम कैन आई से? वेट मैम, आई हैड डन होल पजल। ब्लैंकेट ऑफ एयर अराउंड द अर्थ। मैम कैन आई से? कैन आई से? कोई भी कैन आई नहीं करेगा, रेज हैंड करेगा। तीर्थ एटमॉस्फेयर। Yes. Now come to the 8th one. Gas present in atmosphere occupying only 0.03% by volume. Khushi, Dhara, Dhyana, Harsh. Jainam, you have to on your video and you have to attend. Ma'am, I can't on my video, ma'am. Mera net nahi hai. Diana, answer to de sakte ho na yaar? Yes, ma'am. Phone mein thodi der band rakho, mere ko. Ma'am, lekin koi koi baar unmute nahi hota. Ma'am, mere ko thoda sukha mein to baar baar mood hone jana pad raha hai. Net nikalta hai naak mein se. Neev, chalo, ye jo bacche kab se answer nahi de rahe, wo de de. खुशी, ध्वनि, ध्याना, हर्ष, नीव, जैनम। मैम इसका मैं बोलू ध्वनि। हेलो मैम। मैम कहना है? यस धारा बोलो। मैम कार्बन डाइऑक्साइड। यस, 8 अक्रॉस का आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड। नाउ कम टू द 9th वन। Instrument to measure pressure. Let Khushi try it. Search in the textbook, Khushi. Instrument to measure pressure. Thermometer. Yes, Khushi, yes. Bolo beta. Barometer. Right. So the answer is barometer. Instrument to measure pressure, barometer. मैम वो social science में भी आया। मैम मैंने आपको chat box में 11th का answer लिख के भेज दिया। ऐसे मत लिखो, जो मैं पूछ रही उसी का answer लिखो। मैम मतलब जल्दी by mistake भेज दिया। Outermost layer 11th का outermost layer of atmosphere. अंश बोलो। एटमॉस्फेयर। क्या बोला? वो क्या बोला? एटमॉस्फेयर। ओके। हर्ष अभी इसका आंसर देगा मैं। 12 मिक्सचर ऑफ मेनी गैसेस। यू आर म्यूट। म्यूट हो। मैम कैन था इसका बोलो ना। Air नहीं, air। Yes ma'am, वो था माइक इशू है। Mixture of many gases, air। Come to the 13th one। Reduces visibility in winter। Ma'am can I? Ma'am। Fog। Ma'am अपने टेंशन नहीं skip हो गया। Yes sorry। Incoming solar radiation. मैम 9th का आंसर पैरोमीटर आता है ना? मैम 13 वाले राइट है फॉग। रुको पहले 10th हाँ राइट है। 10th वाला वेदांत इसका आंसर दो इनकमिंग सोलर रेडिएशन का। यस मैम इंसोलेशन। इंसोलेशन राइट। अब है रिड्यूस द विजिबिलिटी इन विंटर, इसका आंसर है फॉग। फॉग। 14 वन लाइफ गिविंग गैस। मैम कैन आई? मैम कैन आई? नहीं, जैनम एंड नीव विल ट्राई। मैम ऑक्सीजन। ऑक्सीजन
Jaina, we have to on your video, beta. I'm on. Okay, yes, oxygen is right answer. Jaina. Now we'll come to 15. Air in motion. Knees. Air in motion. Rutva, bolo answer. Ma'am, I try karu. Ma'am, 15th one ka answer wind hai. Air in motion ka answer kya hai, Rutva? Ma'am, 15th one. Yes. Wind. Wind. Yes, wind. 16 one. An Indian tree valued highly for medicinal properties. Yes, Aman. Ma'am, can you repeat? 16 one. An Indian tree valued highly for medicinal property. Ma'am, neem. Yeah, 18 one. Gas protecting us from harmful rays. Ozone. Right. Dhara, low pressure area. Ma'am, can I say? No, Mitva. Ma'am, 17th skip ho gaya. Yes, skip ho gaya. Ma'am, can I say? It is dash time when sun is overhead. Noon. और अभी 19 कौन बताएगा मुझे? मैम मुझे बताना है. मैम कहना है प्लीज. मैम साइक्लोन. साइक्लोन. चलो डन. मैम साइंस ये दो चैप्टर ही चले तो मैम सबको आता ही है. मैम एक बार 11th नंबर का बताओ ना. क्वेश्चन बोलो. एग्जोस्फियर. मैम एक बार 9th और 16th का बताओ ना. मैम मैं सारे आंसर्स बताओ. हाँ मित्र सारे बताओ एक बार. सब मैम मुझे कुछ आंसर कर रही है. एक में कार्बन. मित्वा सभी एक एक करके आंसर्स बोलो. क्वेश्चन मत बोलना. 1 2 3 इस तरह से बोलो. ओके मैम. फर्स्ट ह्यूमिडिटी. सेकंड क्लाउड. थर्ड लू. फोर्थ वेदर. फिफ्थ रेन. सिक्स मैम थर्ड. मैम थर्ड तो लू ही है ना. रेन. सिक्स पीपल. सेवेंथ एटमोस्फियर. एट कार्बन डाइऑक्साइड. बी बारोमीटर. टेंथ इंसुलेटर. 11th एक्सोस्फीयर. 12 मैम मुझे प्रोनाउंस करना नहीं आता. मिक्सचर ऑफ मेनी गैस. एयर. एयर. हाँ मैम सॉरी मैंने फर्स्ट पूरी एक सीधी लाइन में पढ़ दिया इसलिए. एयर. 13 फॉग. 14 ऑक्सीजन. 15 विंड. 16 नीम. 17 नून. 18 ओजोन. 19 साइक्लोन. ओके डन. चलो वी हैव कंप्लीटेड विद ज्योग्राफी 4 चैप्टर. हमने क्या डिस्कस किया था? अब हमें क्या शुरू करना है? मैम कंपैरिजन. मैम डिवीजन को वक्त है. यस मैम एमसीक्यू. मैम कल ही तो है एग्जाम. अरे रिवीजन तो रिवीजन नहीं होगा लास्ट 5-10 मिनट्स. अगर किसी को कोई डाउट है डाउट सॉल्व कराऊंगी. अंश बोलो बेटा क्या हुआ? मैम हमारे स्कूल में मैम ने हिस्ट्री चैप्टर 5 है ना वो हमको 10 साल हमको खुद एक्सप्लेन. हाँ मैम सबको दे देते और हमको खुद एक्सप्लेन करना. हाँ चैप्टर 5 अभी की है क्योंकि वो ऑब्जेक्टिव में आएगा इसलिए. हाँ मैम वो एमसीक्यू में आएगा.
और मैम वो मैम नहीं एक्सप्लेन करेगी, पता है मुझे ऐसे ही करते हैं जो चैप्टर ऑब्जेक्टिव में आता है उसको ऐसे ही करेंगे मैम। और मैम ने बोला है कि वो मंडे से शुरू होगा। तुझे कौन सा पार्ट दिया है समझाने के लिए? चैप्टर फाइव। चैप्टर फाइव उसमें एक पार्ट दिया होगा ना मैम, इंजीनियर्स वाला फर्स्ट पैराग्राफ इंजीनियर। और मैम उसके बाद वाला मेरा है मैम, मेरा तो आगे पीछे ही है। चलो अब है मैं मेरी रीडिंग करूंगा। मैं अपने कहा था मैम सिविक्स फाइल लेंगे ऐसा हो तो। मैं वही कर रही हूँ, सिविक्स फाइल कर रहे हम लोग। मैम वुमेन वाला हाँ, वुमेन चेंज वो हमारे स्कूल में चल होगा। एक मिनट मैम मैं बुक लेके आया। मैम मैं रीड करूँ? मैम मैंने डिसाइड कर ली कोई भी मैं करूँ कुछ भी नहीं बोलेगा। मैम कैन आई रीड? Everyone ready with the book? Yes. Yes. No, ma'am, 1 minute. Yes, ma'am. Jainam? Chalo, Mitva, start reading. Page number 50. Okay, ma'am. Chapter 5, Woman Changed the World. In the previous chapter, we saw how women's work in the home is not recognized as work. We also read how doing whole household work and taking care of family members is a full-time job and there are no specific hours at which it begins or ends. In this chapter, we will look at the work outside the home and understand how some occupations are seen to be more suitable for men than for women. We will also learn about how women struggle for equality. Getting an education was a still is one way in which new opportunities were created for women. This chapter will also briefly trace the different types of efforts made by the women's movements to challenge discrimination in more recent years. See, now in this chapter, we are going to see how occupations are more suitable for men and women, how women have struggled for equality. Main topic is ki kis tarah se women ne equality ke liye struggle kiya hai. Theek hai? अलग अलग वुमेन मूवमेंट्स देखेंगे अफर्ट के लिए, उनके अफर्ट से आज हम वुमेन्स आर टुडे आर ऑन द बेस्ट पोजीशन, राइट? हमें इतना स्ट्रगल नहीं करना पड़ा, ठीक है? तो बस इस चैप्टर में हम यही पढ़ने वाले हैं कि किस तरह से उनके अफर्ट से आज हमें सारा राइट्स मिल रहा है। यू हैव टू डायरेक्टली कम टू द पेज नंबर 57। Yes, Mitra. Okay, ma'am. Fewer opportunities and right expressions. A lot of children in Rosie ma'am's class drew a woman as a nurse and a man as an army officer. The reason they did this is because they feel that outside the home, two women are good at only certain jobs. For example, many people believe the women make better nurses because they are more patient and gentle. This is linked to the woman's role within the family. Similarly, it is believed that the science requires a technical mind and girls and women are not capable of dealing with the technical things. Because so many people believe in this, ma'am, what is this? Stereotypes. Many girls do not get the same support that boys do to study and train to become doctors and engineers. In most families, once girls finish school, they are encouraged by their families to see marriage as their main aim in life. Okay. See, now in this paragraph,
they are trying us to explain how we decide stereotype. Pilot, women thodi ban sakti hai, right? Astronaut, women thodi ban sakti hai, women teacher ban sakti hai. अगर वो जब बाहर जॉब भी करना है तो उसमें भी हमने क्राइटेरिया फिक्स करते हैं, टीचर, नर्स, राइट? कुछ दो तीन चीजें ही दिया है जो उनके लायक है, हार्ड वर्क, पुलिस नहीं बन सकती, आर्मी में नहीं जा सकती, पायलट में नहीं जा सकती है, साइंटिस्ट नहीं बन सकती, एस्ट्रोनॉट नहीं बन सकती है. आज अगर आप लोग को ओलंपिक्स में भी इंटरेस्ट होगा, अगर आपने देखा होगा तो वेट लिफ्टिंग में भी विमेन, राइट? सो यस मैम, यस मैम, दे हैव ब्रोक द स्टीरियोटाइप. ऐसा नहीं है कि वो फिजिकली स्ट्रांग नहीं है तो वो काम नहीं कर सकती, वो ज्यादा पेशेंट है तो वो टेक्निकली नहीं सोच सकती है, नहीं. पर सोसाइटी में पहले से स्टीरियोटाइप हो गया कि जब वुमेन को पढ़ाया भी गया तो बाहर जब उनको काम करना था तो टीचर, नर्स, बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं. बहुत से बहुत तो थोड़ा स्टीरियोटाइप ब्रेक हुआ कुकिंग. जब कोई लड़का बोल सकता है मुझे शेफ बनना है, खाना बनाना है, तो भी वो स्टीरियोटाइप उस लड़के ने तोड़ा था. मैन आर नेवर मेंट टू गो इन द किचन, ऐसा माना जाता था. अरे लड़के होके देखो खाना बनाना है, शेफ बनेगा, राइट? ये स्टीरियोटाइप है. जब एक लड़के ने ये बोला कि मुझे हेयर ड्रेसर बनना है, मेकअप आर्टिस्ट बनना है, ये तो लड़कियों का काम है, पार्लर का काम लड़कियों का है. अगेन मैन ब्रोक दैट स्टीरियोटाइप. जैसे विमेन ने स्टीरियोटाइप तोड़ा, अब मैन भी स्टीरियोटाइप तोड़ रहे हैं. स्टीरियोटाइप यानी कि क्या? जब हम फिक्स कर देते हैं लड़की को यही काम करना है, लड़की को यही काम करना है. चलो एजुकेशन करवा दिया हमने, चेंज किया हमारी सोच, लड़की पढ़ सकती है. पढ़ने के बाद क्या? पढ़ाई हो गई ना तेरी, अब शादी कर दो चलो. ये हमारी स्टीरियोटाइप है, पढ़ाई की शादी करो. ये हमारी स्टीरियोटाइप है, लड़के ने पढ़ाई की, देखो जॉब करना है, देखो कमाने जाना है, राइट? स्टीरियोटाइप जब हम सोसाइटी में पहले से फिक्स कर देते हैं. यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल दिया है, लेडी, she is driving a train, engine driver, right? आज हमने कई बार बाहर देखा है ओला ड्राइवर लड़की होती है, उबर चलाने वाली लड़की होती है, टैक्सी चलाने वाली लड़की होती है, ऑटो रिक्शा चलाने वाली लड़की होती है, ठीक है? तो ऐसा कहीं पे भी नहीं है अब विमेन को यही काम करना है और मैन को यही काम करना है. यस दक्ष बेटा, डाउट है? No, मैम, रीडिंग के लिए दिया. रीडिंग के लिए तुम्हें नीचे दिया है, यही स्टीरियोटाइप का तोड़ने वाला एग्जांपल, ब्रेकिंग स्टीरियोटाइप. पढ़ो. ओके मैम, ब्रेकिंग स्टीरियोटाइप. इंजन ड्राइवर्स आर मैन, बट 27 ईयर ओल्ड लक्ष्मी लाकरा फ्रॉम अ पुअर ट्राइबल फैमिली इन झारखंड हैज बिगन टू चेंज थिंग्स. She is the first woman engine driver from Northern Railway. Lakshmi's parents are not betrayed, but they struggled and worked in many hardships to make sure their children got an education. Lakshmi studied in a government school. Even in school, Lakshmi helped with the housework and odd jobs. She studied hard and did well and then went on to get a diploma in electronics. She then took the railway board exam and passed it on her first attempt. Lakshmi says, I love challenges and the moment somebody says it is not for girls, I make sure I go ahead and do it. Lakshmi has had to do this several times in her life. When we wanted to take electronics, when she rode a motorcycle at the polytechnic, and when she decided to become an engine driver,
Our philosophy is a simple, is simple. As long as I am having fun without harming anyone, as long as I am doing well and helping my parents, why should I not lead a lifestyle of my choice? Yes. See, so isme yahi hai ki 20 year old Lakshmi Rakha from a poor tribal family. She was the first engine driver. So this is a breaking stereotype. Another example is from India, from the police. Kisko naam pata? First IPS female officer in India. Ma'am, can I say one example? Yes, Ansh, you can. Ma'am, in Kargil movie, there was a girl who want to be in Air Force. So, beta, I am asking you who was. Ma'am, she is Gunjan Saxena. Female officer of India, first police officer, IPS officer of India. Anyone knows the answer? No. Who broke the stereotype that girl can enter in the police? Yes, Vedant. Ma'am, Bhujan Saxena. Ma'am, can I? Yes, Jia. Ma'am, Kiran Bedi. Kiran Bedi. Ma'am, usne Google se dekha hai. Tu bhi dekha. Yes. मैम हमें जीके में लास्ट ईयर आया था ये नहीं मैम नहीं आया First नहीं आया था फीमेल टू बिकम एन ऑफिसर इन इंडियन पुलिस सर्विस आईपीएस इंडियन पुलिस सर्विस राइट शी रिमेन्ड इन सर्विस फॉर 35 इयर्स देन शी एंटर्ड इन द पॉलिटिक्स ओके सो शी ब्रोक द फर्स्ट स्टीरियोटाइप दैट फीमेल कैन एंटर इन द पुलिस यस Ma'am, can you repeat the name of that girl? Kiran Bedi. What, ma'am? Kiran Bedi. Ma'am, first woman in Air Force is Gunjan Saxena. Yes, Gunjan Saxena, right. Ma'am, I was telling about that only. Okay, Bedi. So, these are stereotypes. Jaise first Prime Minister... Female Prime Minister of India? Indira Gandhi. Ah, Indira Gandhi. Aise bahut sare stereotypes. Ma'am Kalpana Chawla. Right? Sunita Williams. First astronaut Kalpana Chawla. First female from India. Yes, right. Okay. So, ab clear ho na concept of... Bachchendri Pal. Yes, ma'am. Everest pe chadi thi. Yes, Mount Everest. Bachchendri Pal. Ma'am Bachchendri. Yes. Yes, right. आपको इंग्लिश में आ रहा होगा उसका चैप्टर मैम साइना नेहवाल मैम मैरी कॉम साइना नेहवाल मैम मैरी कॉम सिखाओ मैरी कॉम यस मैम थोड़े दिन देखा कैसे फटाफट से समझ में आया तो कैसे एग्जांपल सामने आया मैम मीराबाई चानू मैम सिंधु मैम मीराबाई चानू मैम थोड़े दिन पहले उसका मूवी आया था मैंने पूरा देखा यस मैम ओके नाउ कम टू द पेज नंबर 58 Jainam, you have to read now. Yes, ma'am. It is important to understand that we live in a society in which all children face pressure from the world around them. Sometimes this comes in the form of demands from adults. At other times, they can just be because of unfair teasing by our own friends. Boys are pressurized to think about getting a job that will pay a good salary. They are also teased and bullied if they do not behave like other boys. You may remember that in your class 6th book, you read about how boys at an early age are encouraged not to cry in front of others. Yes, stereotype. Ladke hoke ladkiyon ki tarah rota hai. Right? To yehi sikhaya jata hai. Dusra, तुम्हें पढ़ना है क्योंकि तुम्हें जॉब करनी है तुम्हें अच्छा कमाना है तीसरा अगर इट डजंट बिहेव लाइक बॉयज फॉर एग्जांपल आई सेड इफ यू वांट टू गो इन द शेफ फील्ड यानी कुकिंग फील्ड अरे ये तो लड़कियों का काम है अगर उसे मेकअप आर्टिस्ट बनना है हेयर आर्टिस्ट बनना है अरे ये तो लड़कियों का काम है फैशन डिजाइनर बनना है अरे ये तो लड़कियों का काम है तो ये भी प्रेशर होता है सिर्फ वुमेन की बात नहीं ये भी प्रेशर मैन पे भी होता है
इसे भी स्टीरियोटाइप बोलते हैं. ओके, हियर इज अ स्टोरी बोर्ड गिवन, इट विल एक्सप्लेन अस. जैनम, यू हैव टू रीड दिस स्टोरी बोर्ड. यस मैम. Xavier was happy with the result of his class 10th board exams. Though his marks in science and maths were not high, he had done well in his favorite subjects, history and languages. When his parents saw his report card, however, they did not look pleased at all. My goodness, Xavier, you have managed only 65% in maths. Your marks in physics are low too. I know, Mama, but it's okay because I don't want to take maths or science. I want to study history. Why do you want to take history? Think about your future. You have to get a good job. History will not help. It has no scope. But I don't like maths or science. Be sensible, son. Take maths and you can study computers side by side. The job market for computers is very good. Right. But the parent never thought if he will take a history, he can become a good history teacher. But why? An archaeologist also. He can become an archaeologist also. But why he can't? Because he's a boy. I mean, there's not a good salary in it. See? ये माना जाता है. और दूसरे ये भी माना जाता है वो इतना इंटेलिजेंट नहीं है तब जाके उसने ये लिया होगा. कोई बच्चा मैम आल्सो हिस्ट्री बुक राइटर तीर्थ बीच में नहीं बोलना है. बोलना है तो रेज हैंड करना है. हम क्यों भूल जाते हैं? राइट. अभी भी आप पे सब में प्रेशर होगा जब आप फोर सब्जेक्ट लेके बैठे होते ना. मैथ्स 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 तो वो ना सिर पे ऐसे घूमता रहता है ना. नहीं, मेरे साथ ऐसा होता. मैथ्स में कितने आए सबसे पहले पूछा जाता था और मेरी शक्ल देखने जैसी होती थी. एल्जेब्रा में आई टू गेट फ्लाइंग मार्क्स बट इन ज्योमेट्री दैट ऑल दैट मार्क्स गो इनसाइड द थ्योरम्स. मैम मेरा भी ज्योमेट्री ऐसा ही है. आई अंडरस्टूड व्हाई दिस वाज प्रूव्ड. नेवर एवर इन माय लाइफ आई अंडरस्टूड. आई यूज्ड टू रन फ्रॉम द ज्योमेट्री. Same what happened with this boy happened with me in 10th standard. I scored average in my math science. I was third highest in whole school in social science. My parents were not happy that I stood third. They were not happy because I didn't score good in my math science. अब क्या करेगी तू? मैंने बोला मैं अब arts लूँगी. क्यों arts लेगी? मैंने बोला मुझे इकोनॉमिक्स से बहुत प्यार है. मुझे इकोनॉमिक्स पढ़ना है जो साइंस और अकाउंट्स में नहीं पढ़ा जाता. माय मॉम वेंट एंड शी टुक माय एडमिशन इन कॉमर्स. दे नेवर फोर्स मी इन साइंस. ओके, दे न्यू दैट आई एम नॉट गुड इन माय मैथ्स. आई डोंट वांट टू टेक दैट मच ऑफ बर्डन. एंड आई वेंट टू द आर्ट्स कॉलेज एंड आई टुक माय एडमिशन इन आर्ट्स. दो जन अलग अलग टाइम में मैं एडमिशन लेकर आई. सोचो. एंड माय फादर सपोर्टेड मी अ लॉट. She must have think, कुछ तो इसने सोचा होगा. Yes, मैंने सोचा था मेरे को बैंकिंग में जाना था जिसमें मुझे इकोनॉमिक्स की जरूरत थी. ठीक है. आई नेवर थॉट बींग अ टीचर. नेवर. SS was my always a favorite subject. दो. But I took economics because a finance minister को भी अगर वो पोस्ट में जाना होता तो उसको इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएट बनना पड़ता. मैंने वो जब सब्जेक्ट लिया तो मैंने उसकी पूरी नॉलेज ली थी. ठीक है. विच आई वॉज नॉट एबल टू एक्सप्लेन माई मॉम बिकॉज इन माई फैमिली एवरीवन हैज टेकन साइंस. एवरीवन नॉट अ कॉमर्स स्टूडेंट. नॉट अ सिंगल कॉमर्स स्टूडेंट. माय ऑल कजिन आर कंप्यूटर इंजीनियर. वन इज वर्किंग इन अ नासा साइंटिस्ट. ऑल आर कंप्यूटर इंजीनियर. वन इज मैकेनिकल. वन इज कंप्यूटर. माई ब्रदर इज इन मेडिकल. आई वॉज वन. आई डोंट वॉन्ट टू बी वाई. आई अगर वो जा रहे तो मैं भी उनके पीछे पीछे जाऊँ. मुझे नहीं जाना. ठीक है मैम. आपने अभी 6 बजे से क्या करवाया? मैम मेरा नेटवर्क इश्यू था तो मैं ज्वाइन ही नहीं हो पा रहा. मैंने गरबा करवाया. 3 स्टेप सिखाए गरबा के. मैम सच्ची बताओ ना. हम लोग पेज नंबर 58. मैम ओके. मैम अगर आपको बैंकिंग में जाना था तो फिर आप बैंक में जॉब कर रही थी. मैम
मैं यहाँ पे बैंक में ही जॉब कर रही थी बेटा, मैंने उसी की पढ़ाई की है, पर आफ्टर माई डॉटर मैं घर पे बोर हो रही थी और मैंने ऐसी ट्यूशन शुरू कर दी. नो एक एक साल का ब्रेक लिया था पर वो ब्रेक मुझे डाइजेस्ट नहीं हो रहा था. यस मैम, मैं पूरन खाना था और आजू बाजू वाले बच्चों को ऐसे बुला बुला के मैं पढ़ा रही थी. उसमें से इतना मुझे अच्छा लगने लगा, अच्छे लगने लगा, अच्छा. देन आई नेवर वेंट फॉर अ जॉब, नेवर एवर आई वेंट, एंड देन आई जस्ट चेंज्ड माय फील्ड एंड नाउ आई एम सो हैप्पी. मैम ये ट्यूशन वाला आपके लिए चूरन बन गया, अब आपको डाइजेस्ट हो गया ना. ओके मैम, लास्ट 10 मिनट मैम टेल बेटा कि हर एक पर्सन ना एक फील्ड में अच्छा होता है, नेवर फोर्स. हाँ, पर आपको पता है कि आपका बच्चा मैथ साइंस में अच्छा है, उसे गाइडलाइन दो, उसे बताओ कि उसके लिए कौन सी चीज अच्छी है और ओपन. ठीक है, आप सबके पेरेंट्स आपको उसी तरह से गाइडलाइन देते हैं, सुनो उनकी बात. पढ़ना जरूरी है, मैं ये नहीं बोल रही हूँ, पढ़ना जरूरी है, बहुत जरूरी है. मैंने भी पढ़ाई की, जो भी चीज में की, फिर आप जो भी फील्ड में जाओ पुट योर 100% इंटेंट. व्हेन आई ऑप्ट फॉर आर्ट्स देयर वर बिग क्वेश्चन मार्क फॉर एवरीवन व्हाट शी विल डू. आई प्रूव्ड आउट ऑफ 5 years that what I will do, right? तो आप कोई भी चीज लो, जरूरी नहीं आप में से किसी को डिजाइनिंग का शौक होगा, किसी को इंजीनियरिंग में शौक होगा, आपका जो भी है उसमें 100%. आपको लॉयर बनना है तो बेस्ट कॉलेज में लो, उसकी बेस्ट चीज में लो, वो भी करना उसका बेस्ट करो, आधा करो आधा नहीं करो ऐसा नहीं. ठीक है, अभी तो आपके पास, हमारे वक्त तो ज्यादा ऑप्शन नहीं था, हमारे वक्त तो टी नहीं था, साइंस BSc, BCom, BA, या तो डॉक्टर बनो या तो इंजीनियर बनो या तो टीचर बनो, बस आपके पास ऑप्शंस बहुत है. सोचो, आपके स्कूल में से भी एक टेस्ट आएगी आपके लिए, IQ टेस्ट, वो अटेम्प्ट करो, जिससे आपको पता चलेगा आपके लिए कौन सा बेस्ट करियर है, पर उसमें 100 दो. ठीक है, प्रेशर नहीं है किसी में, पर पढ़ना जरूरी. एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट for a woman. If woman is educated, she will educate whole family. For a man, is man is educated, it will educate their children, right? It is very important. So please, padhna zaruri hai. Theek hai, isme hame yahi samjhaya gaya ki kis tarah se ladki ko discriminate kiya. Wo ladka history lena chahta hai to use nahi liya, agar wo ladka painter banna chahta hai, drawing mein jana chahta hai to nahi kiya. Very good mitra. You can become a lecturer in a college, professor, right? See, when I was doing, I had opened 3-4 scope. I was interested in teaching. I wanted to be an economics professor. Then I had opened my for a banking. Okay? So whenever, whatever you do, search ke 5 saal ke baad jab aap bahar jaoge to aapke liye kaam hoga na. Aisi field lena hai. Okay? Very good, Dwanit. If you want to become a collector, you have to be very, very, very good in a present scenario. यानी कि present में क्या हो रहा है, वो अभी से जानकारी रखोगे तो आप collector बन पाओगे. Yes, ma'am. मेरी मम्मी भी ऐसा ही कहती है. है ना, देखा? मम्मी तो सही होती है सबकी. Ma'am, I want to be a writer. Very nice, Vedant. चलो अब यहाँ तक सबको पता चला, सभी मुझे बता रहे हैं. खुशी को क्या बनना है? खुशी क्या बनना मैडम? डॉक्टर बोल रही है मैम. डॉक्टर बोल मैम, मेरी बहन भी डॉक्टर बनेगी सर नीट देके. सर नीट नीट इस साल. दारा को क्या बनना है? मैम पायलट. वेरी गुड. अमन मैम कंप्यूटर.
क्या बनना है बेटा? मैम क्रिकेटर. क्रिकेटर, वेरी नाइस. सी आई वाज थिंकिंग दैट ओनली कि एक डॉक्टर बोल रहा है, एक इंजीनियर बोल रहा है, तो कोई बच्चे को ना ऐसे ही प्रेशर होता है, अरे यार मेरे दोस्त तो सब डॉक्टर इंजीनियर है, मैं कुछ आउट ऑफ द बॉक्स बोलूंगा तो सब मुझ पे हंसेंगे. नहीं. वेरी गुड अमन. रुत्वा नॉट ऑडिबल बेटा. मैम वो कुछ बोल ही नहीं रही. तो बोल रही है पर सुनाई नहीं दे रहा. जैनम को क्या बनना? मैम जेड प्रोग्रामर. प्रोग्रामर, व्हाट इज दैट? मैम एप्स बनाऊंगा. सॉफ्टवेयर इंजीनियर. हां सॉफ्टवेयर इंजीनियर मैम. सॉफ्टवेयर. वेरी गुड. दिया मैम सर्जेंट. वेरी गुड सर्जेंट. हर्ष क्या? Surgeon is a person who is a specialist, a doctor only, but he is a specialist in one of the field. Surgeon, ma'am. Ma'am, operation. Surgery करता है वो. Ma'am, ma'am, heart में ma'am कुछ special होता है ma'am वैसे. Heart specialist. Heart specialist, kidney specialist. Kidney specialist. Ma'am, mechanical engineer. Very good. Okay. Now let us come on the point. अभी मैं choose नहीं कर रहा हूँ. Electrical engineer और mechanical engineer. It's okay. If you have not done, it's fine. उसमें भी. मैं फिर हर मेरे पास two options हैं. Mechanical या फिर electrical. लो बाद में सोचूंगा. मैं भी homework में check करना है. हाँ चलो अभी homework. मैं पहले बताऊँ. कल का check कर रहे हो या means परसों का या day one से. मैं एक-एक बच्चों का नाम बोल रही हूँ. उसे वीडियो ऑन करना है. मितवारू को अभी. मितवा ने तो पहले से ही कर दिया. मैं अपना होमवर्क. हाँ मैम ये वाले जो तीन टाइम लिखने थे वो वाले. मैम टेम्परेचर का नहीं लिखना था, वो तो आपने कल ही दिया. तो एक पेपर मैंने लिख दिया. फिर मैम फिर एक मिनट. मैम फिर वो जो डिवाइस के नेम्स लिखने थे ना वो वाले. और डायग्राम करने की कोई भी जरूरत नहीं थी. अच्छा ये वो वाला डायग्राम है. हाँ मैम. और मैम ये एक बार मैम ये दूसरी बार और ये तीसरी बार. डन. यस मैम. मैम मैंने वेदर क्लाइमेट और टेम्परेचर की जो है वो एक ही बार लिखी है. मेरे को लगा कि आपने कल दिए वो. हेलो मैम. यस. हाँ मैम वो एक ही बार लिखनी थी. ऐसा मैंने भी एक ही बार लिखी. हश बच गया. मैम देखो मैम. रुको ध्वनि ओके. यस मैम आपने मेरा वीडियो स्टॉप कर दिया था. हाँ गलती से हो गया था मैडम. यस ध्वनि. यस मैम देखो मैम ये तीन टाइम एटमॉस्फेयर की. मैम फिर ये डायग्राम एक बार करना था ना. मैम फिर ये वेदर और क्लाइमेट की और जो वो थे ना वो क्या बोलते हैं मैम वो डिवाइस वाले वो मेरे को पता नहीं था मैम वो उसमें क्या करना है. मैम डिवाइस शायद आपने बोला नहीं था. नहीं बोला था पर मेरे को पता नहीं था. कोई बात नहीं चलो. और कौन था तीन बार करने वाला? मैम बहुत सारे पर मेरी नोटबुक अभी मेरे पास नहीं है. यस okay. मैम मेरे पास ना फाइल नहीं है अभी. कोई बात नहीं मैम. अभी था शायद से. कोई बात नहीं किया है ना सबने. अभी मैं दिखाऊं? यस मैम तीन बार डायग्राम ड्रॉ कर दिया और वो मैंने तीन बार डायग्राम डिफाइन कर दी. मैम आपने तीन बार करने को कहा था तो मुझे तो सारे डेफिनेशन और मीनिंग याद भी रह गए. तीन टाइम लिखने. कल की एग्जाम जो है उसमें किसी को कोई डाउट है तो रेज हैंड करो. अंश पूछो. मैम कितने बजे होगी? मैसेज नहीं आया इसलिए. आ गया है. नो क्या बोलो?
नहीं मैम, वो तो पूछना था कि क्वेश्चन के साथ लिखना है। नहीं। हाँ मैं वो भी कह दूँ ना, फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। मैम कितने मार्क्स का है? 30 मार्क्स। एमसीक्यू में मुझे ए बी सी डी नहीं चाहिए, ए तो बाजू में आंसर चाहिए। मैम डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं ना? डायरेक्ट आंसर लिख सकते, पर ए बी सी डी नहीं लिखना है, आंसर लिखना है। ओके क्वेश्चन मैम आप एक काम, मैम आप एक काम करोगे, मैं लिखू तेरे लिए पेपर? नो मैम, आप सिर्फ इतना काम करो कि वो पेपर पेपर बना पेपर बनाए वो सिर्फ स्क्रीन शेयर करके दिखा दो, मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। मैम पेपर पैटर्न बता दो मैम। देखो सेकंड है, अगर मैंने मैथ कॉलम पूछा है तो ए के सामने वन या सी के सामने वन ऐसा नहीं चाहिए। क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन आंसर इन द मैथ फॉलोइंग, क्लियर? फिलिंग द ब्लैंक्स, डायरेक्ट आंसर, ट्रू एंड फॉल्स में टी एफ टी एफ नहीं, पूरा ट्रू या पूरा फॉल्स। मैम देखो मैम ऐसे मैं ऐसे लिखता हूँ चलेगा? ए के सामने वन तो बी के सामने, वो ऐसे लिखता है पूरा ऐसे। मैम देखो राइट कर सकते हैं मैम, ऐसे लिख ऐसे लिखे तो चलेगा? नहीं चलेगा, वो ही मैं बोल रही हूँ। पूरा मैथ कॉलम का जो क्वेश्चन है उसके सामने आंसर टैली करना, ए वन बी सी ऐसा नहीं चलेगा। मैम देखो मैम इधर है इस क्वेश्चन और इधर आंसर सामने, ऐसा ही ना? मैम जैसे मेडल हो तो इसके सामने डैश करके उसका आंसर। यस क्लियर, I won't give you marks. चलो ऑल द बेस्ट फॉर टुमारो एग्जाम। मैम मुझे अभी भी पता नहीं चला क्या पैटर्न का। मैम पेपर अरे कुछ पेपर पैटर्न नहीं है। मैम 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 मतलब मैम कितने एमसीक्यू कितनी फिलिंग का सुनो बोलो हम बुरा एक बार दिखा दो। मैम क्वेश्चन आंसर्स कितने मार्क्स के हैं? यस मैम कितने हैं कुछ याद नहीं है अभी। मैम तो बोल के मैम आपने मेरा काम नहीं किया। थोड़ा फ्रेश होके कल की एग्जाम का लर्निंग शुरू करो। बाय बाय।